बर्थडे इनविटेशन कार्ड बनाएंगे, कोरल में बनाएंगे। कोरल में बनाने के लिए हम पहले एक नया पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर पेज ले लेते हैं, मैटर हम कुछ जो भी है हम सारा टाइप करके कलेक्ट करके रखे हुए हैं, वो यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्त, मैं हूँ नीतीश, आप देख रहे हैं नीतीश टेक ग्राफिक्स। दोस्तों आज हम लोग इनविटेशन कार्ड बनाते हैं। तो चलिए, ये सारा मैटर है, ये सब के मदद से हम एक इनविटेशन कार्ड बनाएंगे। जो कि पहले हम एक साइज ले लेते हैं, ये साइज का हम अभी इसका साइज लेते हैं 5.5 8.5। इसको हम पकड़ के पी मारेंगे, सेंटर ऑफ पेज हो जाएगा। और उसके बाद पहले हम ग्राउंड इसको हम तैयार करेंगे। तो ग्राउंड तैयार करने के लिए ये कुछ इस तरीका का मेरे पास मैटर है, जो कि इसको हम पे ट्रांसपेरेंस किए हुए हैं। अगर इसको हम 0 कर देंगे तो ये कुछ इस तरीका का है। तो इसको हम 84 या हाँ 84 या 85 रखते हैं, ठीक है ना, 85 रखते हैं, इतना काम चल जाएगा। ओके, अब हम इसको यहाँ से ऑब्जेक्ट में गए हैं, पावर क्लिप में जाएंगे, यहाँ से इसको हम पावर क्लिप में ले आएंगे। अब हम इस पर क्लिक करके कंट्रोल दाबेंगे, उसके बाद फिर से क्लिक करेंगे तो हम यहाँ आ गए। तो अब हम इसको कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट कर लिए, ये मेरा आ गया। अब हम इसको इस तरीका से एडजस्ट करेंगे, तो ये ऐसा इसको हमको करना, और ये हमको सिर्फ इतना ही दिखाना है, तो हमको ये लंबा करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, है ना, क्योंकि हमें ये सबको दिखाना है। जो कि इसको दिखाने के लिए हमें कुछ इस तरीका से करना ही होगा। ओके, तो ये अपना हो गया। तो अब हम कंट्रोल दाब के पावर क्लिप से बाहर आ गए हैं, और इसे आप चाहें तो आप नन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम नन कर ही लेते हैं इसको लगले। अब ऊपर में हम बेस डालेंगे तो नहीं होता है, तो इसे हम डाल के देखते हैं। तो पहले इसको शिफ्ट के साथ धर लिए हैं, टी एल करते हैं, तो ये कुछ इस तरीका से हो गया है। तो हम ऊपर ले लेते हैं और इसे कुछ इस तरीका से एक छोटा करके यहाँ पर भी हम लगाएंगे, क्योंकि इसको नहीं होगा तो ऊपर में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, तो इसे हम यहाँ पे एक छोटा करके लगा लेते हैं, उसके बाद इसको हम ऊपर कर लेंगे। ये अपना कुछ इस तरीका से ये रहेगा। इसे भी नहीं होता है तो हम इसी को सेम चीज़ को यहाँ पे डबल करेंगे, थोड़ा सा डाल लेते हैं कि अच्छा लगे, और इसे हम कुछ इस तरीका से रखेंगे। रखना ऐसा है कि देखने में अच्छा लगे, उसी हिसाब से इसको आपको एडजस्ट कर लेना। तो हम वैसे ही इसको एडजस्ट कर लेते हैं, और ये एडजस्ट हो गया है, साइड में डालेंगे। तो ये अपना इसे, सॉरी, मेरा माउस कभी कभी लगता है कि छोड़ता, ये माउस को भी देखना पड़ेगा, नहीं होगा तो चेंज करेंगे माउस को। फिलहाल तो ये यहाँ से इसको हम रखेंगे, और एक यहाँ से इसको हम रख लेते हैं, क्योंकि हर जगह पर ये नहीं देंगे, तो ये सिंगल वाला भी रहेगा तो काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और इसे हम यहाँ से उठाएंगे, और ये कुछ इस तरीका से है, और इसे हम इस तरीका से कर लेते हैं पूरा में, क्योंकि ये इनविटेशन कार्ड इसको हम बनाएंगे तो ये ज़्यादातर ये मोबाइल पर ही यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो हम उसी हिसाब से इसको हम अपना कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, मगर आजकल ज़्यादातर मोबाइल यूज होता है तो हम मोबाइल में ही इसको यूज करेंगे। हम लोग भी इसको वहीं सोच के बना रहे हैं कि ये वैसे ही रहे, तो हम इसे थोड़ा और इधर कर लेते हैं, ये फोटो इसको, और ये भाई साहब पे छलांग रन लगाना है, तो इनका एक पैर ऊपर में कर लेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लिए हैं, और अपना एक ये ले आना है, और इसे यहाँ पे करेंगे। अच्छा, उससे पहले नहीं होता तो एक चीज़ हम कर लेते हैं कि शायद फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसे हम कुछ इस तरीका से यूज करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं कि ये अच्छा होगा या नहीं होगा, क्या होगा। शायद ये फॉन्ट चल सकता है, क्योंकि सिर्फ हमें यहाँ पे इसे लगाने वाले हैं, इसमें हम आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन करने के लिए यहाँ से हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर रहे हैं, F2 के F12 के। ओके, अब हम यहाँ से
ये दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये दोनों सिलेक्ट करने का रीजन क्या होता है ना कि अगर आप कभी भी इस मैटर को अगर आप डायरेक्ट अगर सिलेक्ट करके अगर बड़ा छोटा करिएगा तो उस सिचुएशन में ये कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ से ओके करते हैं और इसे नहीं होता है तो और हम 16 कर लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी अगर इसको हम रखेंगे बड़ा तो अच्छा लगेगा। तो ये अपना इस तरीका से आ गया है और यहाँ पे नहीं होता तो ये मोटा फॉन्ट है, मोटा फॉन्ट हम इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं, या नहीं तो और हम कोई देख, ये भी ठीक लग रहा है मोटा है, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको मोटा फॉन्ट ही इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि हमें ये मोटा फॉन्ट रहेगा तो अच्छा लगेगा। फिलहाल इसे हम इस तरीका से रखेंगे, नहीं होता है तो इसको हम कैपिटल कर लेते हैं और कैपिटल करने के बाद इसे हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे। ये कुछ इस तरीका से लग रहा, और यहाँ पर इज टर्न राउंड को यहाँ पे रखें, उस हिसाब से इसको हमको सेट करने में दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं अच्छा लगेगा। यहाँ पे और भी कुछ रखने का प्रोग्राम रखे हुए हैं तो फिलहाल इसको नहीं होता तो यहीं हम रखते हैं, और इसे नहीं होता है तो ये एक सेकेंड पहले तो कि हम कलर को यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसको RGB में सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये काफ़ी मतलब कि RGB में रहेगा क्योंकि ये मोबाइल में ही यूज करना है तो अच्छा लगे, इसी हिसाब से इसको हम करेंगे। और ये यहाँ से हम यहाँ को ऊपर ले आते हैं ना कुछ इस तरीका से, ओके। और ये भाई साहब ये कौन है, नाम हम तो जानते नहीं हैं, बाकी इनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं क्योंकि ये बच्चा लोग के अच्छा लगने वाले चीज़ हैं, तो ये इसे हम यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे भाई साहब, अब इन्हें नाम नहीं हम जानते हैं तो भाई साहब ही कहेंगे, ओके। और ये ही भाई साहब को हम यहाँ इधर इस तरीका से नचा लेंगे, और इनको हम थोड़ा सॉरी इनको थोड़ा इस तरीका से हम यहाँ सेट करेंगे, ओके। तो ये लगभग यहाँ का काम तो मेरे हिसाब से हो ही गया है, और इन्हें थोड़ा सा ओके ये हो गया। अब हम एक बैलून को यहाँ ला करके रखेंगे, इसको हम अप कर लेते हैं पेज, और एक यहाँ पे रखेंगे इसे, ये सब यहाँ पे रखते हैं, ओके। आ एक ये रह गया तो इसे नहीं होता है तो हम यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करके रखेंगे के थोड़ा सा बड़ा करते हैं ये दोनों, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, ये सब बड़ा रहेगा तो अच्छा ही लगेगा। और यहाँ पे लेट सेलिब्रेट, यहाँ पे हम इसे ले आते हैं, ओके ओके, इसे हम थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, इसको हम सेंटर कर लेते हैं, ये नहीं होता इस तरीका से रहेगा अभी तो चलेगा। तो यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं तो इसे नहीं होता है तो हम ये ब्लू रखते हैं इतना, ये भी चलेगा। और यहाँ पे अपना नीचे हो जाएगा मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, तो हम फिलहाल मोबाइल नंबर में कुछ नहीं रखे हैं, 00 रखे हुए हैं। और यहाँ पे हम टाइम और ये सब चेंज करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसे एक कलर में भी रख सकते हैं, नहीं तो इस तरीका से भी रख सकते हैं, ब्लैक भी डाल सकते हैं, ब्लैक अगर इसको हम हल्का रखेंगे काफ़ी अच्छा लगने वाला है, तो इस तरीका से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चा लोग क्या क्या कराता है समझ में नहीं आता। तो इसे हम अगस्त है इसको हमको चेंज कर लेना है, और यहाँ पे हम करेंगे ये सारा कुछ रहने देते हैं, टाइम वगैरह ये हमको देख लेना है, थर्सडे है ये क्या है, सितंबर क्या करना है, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे मैटर सितंबर संडे, यहाँ पे हमें 06 कर लेना है, उसके बाद इसको सिलेक्ट करके F3 के साथ यहाँ आकर के इसको इस तरीका से सितंबर हो गया। और आप भी कुछ इस तरीका से कर सकते हैं, अगर आप एड्रेस डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से एड्रेस डाल सकते हैं, तो फिलहाल इसको हम कट कर लेते हैं, मेरा एड्रेस हो गया जो कि आप यहाँ से लगा सकते हैं आप अपने हिसाब से, ओके। तो ये मेरा हो गया, और मोबाइल नंबर अगर आप, तो ये अपना कुछ बन के इस तरीका से आया है।
ये इनविटेशन कार्ड बनके अपना तैयार हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ ज्यादा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। डिजाइनिंग या प्रिंटिंग से रिलेटिव अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।